चलते हैं आज ऐसे होटल की सैर पर जो दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है, जहां अंदर जाते ही आपको इतना सोना देखने को मिलेगा कि उसे देखते देखते आपके सोने की इच्छा पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर मौज मस्ती और फन का जो डोज हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, उसे आप आखिर तक जरूर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं बुर्ज अल अरब की, जो एक आसमान छूती इमारत है और संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में मौजूद है। जुमेरा होटल ग्रुप इसका मैनेजमेंट देखता है। टॉप 5 वर्ल्ड क्लास होटल्स में से एक है। दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इस होटल को देखते हैं, इसमें रुकते हैं। बात कर लेते हैं इस होटल के आर्किटेक्चर की। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ये होटल अपने गेस्ट को वर्ल्ड क्लास लग्जरी और कम्फर्ट देता है। इस होटल को बनाने के लिए ऊपर वाले की बनाई जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि समुन्दर की गहराइयों को फिल करके एक आर्टिफिशियल आयरलैंड तैयार किया गया। आयरलैंड वहां के सी बीच से 280 मीटर यानी कि 920 फीट ऊंचा है। इसी आर्टिफिशियल आयरलैंड पर इस इमारत को बनाया गया, वो समुद्र के तट से 280 मीटर दूर है। इसे एक सर्किल शेप का ब्रिज जरिए दुबई की बेसिक लैंड से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज 340 मीटर लंबा है। साल 2018 तक दुबई की सभी हाई राइज बिल्डिंग में बुर्ज अल अरब का नंबर 18वां था। जिस समय इस होटल का निर्माण हुआ उस समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था, लेकिन आज ये 7वें नंबर का सबसे ऊंचा होटल है। साल 1994 में इस होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो 1999 में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए जिस आइलैंड को तैयार किया गया वो पूरे 2 साल में तैयार हुआ, और इसके बाद अरेबियन टावर को बनाने के लिए 3 साल का समय और लगा। जुमेरा के सी बीच पर इसे बनाया गया है। अगर आपने पुराने समय की नाव देखी होगी तो हवा के डायरेक्शन को समझने के लिए पाल लगाया जाता था। इसके बाद वो बोट कुछ इस तरीके से नजर आती थी। इस होटल का पूरा डिजाइन इसी तरह की पाल पोर्ट पर बेस्ड है। जमीन से 321 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस होटल का आयरलैंड 148 फीट नीचे समंदर की गहराइयों में जाता है। इस होटल में एक हेलीपैड बना हुआ है जहां हेलीकॉप्टर उतरते हैं, यानी अगर आप इस होटल में उड़कर आना चाहें तो हेलीकॉप्टर के जरिए डायरेक्ट होटल के टेरिस पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के अलावा दुनिया भर से लोग यहाँ स्टंट करने के लिए भी आते हैं। इसे एक कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन से 210 मीटर की ऊंचाई पर है। साल 2005 में आंद्रे अगासी और रोजर फेडरर ने इसे टेनिस खेलने के लिए लिया था। साल 2013 में वर्ल्ड नंबर 1 चाइनीज प्लेइंग कपल लागमा और शिवेन ल्यू ने पहली बार इस पर टेबल टेनिस खेला। साल 2017 में पतंग उड़ाने वाले निक जैक बेसन ने पैराशूट और हैंड ग्लाइडर के तौर पर अपनी पतंग को इस्तेमाल करके दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे होटल से छलांग लगा दी। ये इस खेल में अब तक का सबसे डेंजरस स्टंट है। इस होटल का एट्रियम की ऊंचाई 180 मीटर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एट्रियम को टेफ्लॉन कोटेड फाइबर ग्लास के कपड़े से बनाया गया है। इस होटल के इंटीरियर को प्योर 24 कैरेट गोल्ड से डेकोरेट किया गया है। इसके लिए सोने की लगभग 1790 स्क्वायर मीटर की पत्ती का इस्तेमाल किया गया, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती है। होटल की दीवार और फर्श में 30 डिफरेंट टाइप के स्टैच्यू एरियो मार्बल को इस्तेमाल किया गया है। ये स्टैच्यू एरियो मार्बल 24,000 स्क्वायर मीटर से अधिक के एरिया में लगे हैं। इस मार्बल को इटली के पॉपुलर आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने डेविड सहित कई दूसरी मूर्तियों को बनाने के लिए यूज किया था। जैसे ही आप इस होटल में एंट्री करते हैं, यहाँ फूलों से महकती हुई लॉबी आपका वेलकम करती है। जिन फूलों से इस होटल को सजाया जाता है वो हॉलैंड, केनिया, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड से लाए जाते हैं। होटल की पूरी लॉबी को फूलों से सजाने के लिए 6 टीमें लगती हैं और लगातार 8 घंटे में फ्लावर डेकोरेशन वो कंप्लीट करती हैं। होटल के भीतर एंट्री मारते ही लॉबी में मौजूद फव्वारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है, जो 130 फीट की ऊंचाई तक पानी फेंकता है। इसके आगे बढ़ने पर गोल्ड से डेकोरेटेड स्टोन पॉल नजर आते हैं। होटल में आने वाले गेस्ट जब अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ भी उनका स्वागत उनके पसंदीदा फूलों से किया जाता है। होटल के कमरों में खूबसूरत टॉयलेट और शावर भी मौजूद हैं। होटल के कमरों में आपको खूबसूरत लाइब्रेरी भी मिलेगी, जहाँ वर्ल्ड क्लास राइटर्स की बुक आप पढ़ सकते हैं। होटल में साबुन, परफ्यूम हर गेस्ट के लिए अलग अलग उपलब्ध रहते हैं। इस होटल को 7 स्टार कहे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक बार यहाँ पर एक जर्नलिस्ट को ठहराया गया था। उसे इस होटल की सर्विसेज, इंटीरियर और फैसिलिटी इतनी पसंद आई कि इसने बाहर जाकर अपने आर्टिकल में इस होटल को 7 स्टार की रेटिंग दी डाली। वैसे 7 स्टार की रेटिंग केवल ऑफिशियल है, दुनिया में अभी तक होटल को केवल 5 स्टार की ही रेटिंग दी जाती है। इस होटल की 18वीं मंजिल पर अल्ट्रा लग्जरी टेली स्पा मौजूद है, जहाँ जाने के बाद मेहमान अपनी सारी तकलीफें भूल जाता है। यहाँ कर स्पा का मजा लेना दुनिया का एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ स्पा, इंडोर पूल, जकूजी स्पा और प्लंज पूल के साथ मजा ले सकते हैं।
इस होटल में कुल 202 कमरे हैं और सभी कमरों का एरिया काफी बड़ा है। यहाँ का सबसे छोटा कमरा 169 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में है, जबकि सबसे बड़ा कमरा 780 स्क्वायर मीटर के एरिया में है। इतने बड़े बड़े कमरे हैं कि इनका किराया भी जान लीजिए। इस होटल के कमरे दुनिया के सबसे महंगे कमरों में से एक है। यहाँ सबसे महंगे कमरे का केवल एक रात स्टे करने का किराया $24,000 है, यानी कि इंडियन करेंसी में 17,70,372 रुपए, जबकि सबसे कम कीमत वाले रूम का रेंट $7,000 है, यानी कि 5,16,358 रुपए। साल 2008 में दुनिया का सबसे लंबा ऑल सूट होटल होने के साथ साथ इस होटल में सबसे महंगी कॉकटेल के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कॉल किया गया। इस होटल में साल 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा टिन केवियार बनाया गया था, जो 17 किलो का एम्पायर केवियार है। ये दुनिया का इकलौता प्रॉपर ऑर्गेनिक केवियार है। होटल में मौजूद गद्दे सबसे रेयर और ईयर डाउन गद्दे हैं। इनको बनाने के लिए आइलैंड में ईडर बतख के छोड़े हुए घोंसलों का इस्तेमाल किया गया है। एक घोंसला 15 से 20 ग्राम एडर डाउन निकालता है। यहाँ से हर साल केवल 2000 किलोग्राम एडर डाउन निकाला जा सकता है। अगर आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं और आपको पिलो की वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप ऑर्डर देकर यहाँ पर अपने पसंद का पिलो मंगवा सकते हैं। यहाँ पर 17 तरह के तकिए मौजूद हैं। यहाँ के कमरों में यूं तो बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट के अलावा बार भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर हर रूम की रूम सर्विस भी वर्ल्ड क्लास है। यहाँ काम करने वाले बटलर कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देते हैं। अगर हम यहाँ के खान पान की बात करें तो आने वाले गेस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेस्टोरेंट में फूड आइटम मिल जाएंगे। अलमुंथा रेस्टोरेंट, इस होटल के टेरिस पर एक रेस्टोरेंट मौजूद है। ये भी एक तरीके का कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर 27 मीटर तक फारस की खाड़ी के ऊपर बनाए इस पर मौजूद रेस्टोरेंट्स अल मुंथा से फारस की खाड़ी और दुबई शहर के खूबसूरत सीन आप देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए बाकायदा एक लिफ्ट भी बनी है। अल महारा रेस्टोरेंट, इस होटल में समुन्दर की गहराइयों में भी एक रेस्टोरेंट बनाया गया है और इस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए पनडुब्बी में बैठकर जाना पड़ता है। टोरपीडो की ये आर्टिफिशियल जर्नी आने वाले गेस्ट को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। इस रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा फिश हाउस है जिसमें 9,90,000 लीटर पानी आता है और पानी के इस प्रेशर को कवर करने के लिए टैंक की दीवार को एक्रोलिक ग्लास से बनाया गया है और इस ग्लास की लेयर 18 सेंटीमीटर मोटी है। ये दुनिया के टॉप रेस्टोरेंट्स में से एक है। आर्टिफिशियल सी बीच, साल 2017 में इस सी बीच को चालू किया गया था। ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा लग्जरी प्लेटफॉर्म है जिसमें दो पूल, कैबाना, इसके अलावा एक 1120 स्क्वायर मीटर का सी बीच है। इस बीच को बनाने के लिए 1000 टन व्हाइट सैंड इंपोर्ट की गई थी। यहाँ मौजूद पूल में 10 बिलियन गोल्ड और ब्लू मोज़ेक टाइल्स लगी हैं। यहाँ पर आने वाले गेस्ट समंदर में एक कंफर्टेबल क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं। ये प्राइवेट रूप से रेंट पर ली जा सकती है। समुद्र के बीच खूबसूरत स्पा का मजा लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। दुबई के इस होटल में कछुओं को रिहैबिलिटेट करने के लिए DTRP दुबई टर्टल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट मौजूद है, जो दुबई के वन्य जीव संरक्षण ऑफिस, दुबई फाल्कन क्लिनिक और सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च लेबोरेटरी के जॉइंट वेंचर से बीमार और घायल कछुओं का इलाज किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था और 1600 से ज्यादा समुद्री कछुओं का इलाज कर वापस अरब की खाड़ी में छोड़ा गया है। होटल की छत हॉलीडे स्पेंड करने के लिए खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ पर एक लग्जरी कैबिन है और मीठे पानी का पुल। हमें यकीन है दुबई के इस बुर्ज अल अरब होटल के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमारी पूरी टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो फिर देर किस बात की है, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।